हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडे द नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 द फर्स्ट क्वेश्चन इज एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो लेट अस ड्रॉ एबीसीडी एट फर्स्ट। So draw the quadrilateral ABCD. So this is the quadrilateral ABCD and PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Also, we have to join this. And AC is also joined here. Like this. Okay. So, in the question, it is given that PQRS is a quadrilateral. PQRS a quadrilateral, sorry, ABCD a quadrilateral है। ये क्वेश्चन में दिया है, फिगर भी दिया है। ABCD एक quadrilateral है और इसमें से PQRS मिड पॉइंट है। तो PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, AD. इनका ये मिड पॉइंट है। AB का मिड पॉइंट है P, BC का Q, CD का R और DA का या AD का S। अब क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करना है इसमें, नंबर वन, एस आर पैरेलल ए सी। नंबर टू, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। नंबर टू, पी क्यू इक्वल टू एस आर। नंबर थ्री, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं कि ज्वाइन एसी, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में जानना चाहिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में, अगर ये ट्रायंगल है और किसी ट्रायंगल में ए बी सी जिसका नाम है, अगर तो अगर ये मिड पॉइंट है डी और ये है डी ई, ये डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ई भी मिड पॉइंट होता है ए सी का। ये है इसका कन्वर्स थ्योरम है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, मतलब डी ई पैरेलल होता है बी सी का। दो चीजें हैं, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ई मिड पॉइंट होगा ए सी का, नंबर वन। इसका कन्वर्स है कि अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट है तो ये डी ई और बी सी पैरेलल होता है। इस थ्योरम की बहुत जरूरत पड़ेगी इस सारे के सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रूफ, आप देखो यहीं से शुरू करो। एक ट्रायंगल ए बी सी और हमको लेना है एक ट्रायंगल और ए डी सी। ट्रायंगल देखिए बनता है, ये जो डायगोनल है ये दो ट्रायंगल बनाता है, एक इधर ए डी सी और इधर ए बी सी। पहले हम ए डी सी ले रहे हैं, तो इन ट्रायंगल
एडीसी। अब देखिए कौन सा मिड पॉइंट है, जैसा कि क्वेश्चन में है कि एस मिड पॉइंट है एडी का, आर मिड पॉइंट है डीसी का, तो लिखेंगे हम लोग एस इज मिड पॉइंट ऑफ एडी, आर इज मिड पॉइंट ऑफ सीडी। तो अभी जो हमने आपको बताया मिड पॉइंट थ्योरम में कन्वर्स में कि अगर ये दोनों ही मिड पॉइंट है तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ऐसा हमने भी आपको बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में ये और ये दोनों मिड पॉइंट है तो जो ये लाइन दोनों को ज्वाइन करती है वो लाइन इसके पैरेलल होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एसआर जो है, तो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम एसआर जो है वो पैरेलल होगा एसी, ठीक है। तो ये पैरेलल भी होता है और ये इस पैरेलल होने के साथ साथ हाफ भी होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से ही दोनों मिलता है। तो पैरेलल हमने लिख दिया, हमको पहले पैरेलल प्रूव करना था, और ऑल्सो ये भी लिख दें कि एसआर इक्वल हाफ एसी, ये दोनों इसी थ्योरम से हो जाता है। तो हमारा ये फर्स्ट हो गया प्रूफ, ये हम लोगों ने फर्स्ट लिया और यहां लिखा प्रूफ। सेकंड में है पी क्यू इक्वल टू एस आर, अब हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है और ये जो एस आर है वो इक्वल होगा। तो पी क्यू और एस आर को इक्वल बताने के लिए हमें इस पूरे पी क्यू आर एस को पहले डायग्राम करना होगा। तो चलते हैं करते हैं सेकंड। अब इस ट्रायंगल में आते हैं एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, चलिए इसको इक्वेशन नंबर डाल दें, इन एबीसी पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, पी मिड पॉइंट है एबी का, क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, तो पी क्यू पैरेलल हो गया एसी के। ये और पी क्यू पैरेलल तो हो ही गया बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, और इसमें ये भी हो जाएगा ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, ये हो गया। अब हमने आप देखो कि ये हमारा अगर हम इसको कंपाइल करें एसआर, देखेंगे हम कि एसआर पैरेलल है एसी के और पीक्यू भी पैरेलल है एसी के, एसआर हाफ है एसी का और पीक्यू भी हाफ है एसी के। तो लिखें हम लोग कि फ्रॉम वन एंड टू एसआर पैरेलल है एसी के और पीक्यू भी पैरेलल है एसी के, तो एसआर पैरेलल पीक्यू एंड एसआर इक्वल टू पीक्यू, देयरफॉर पीक्यू आरएस इज ए पैरेललोग्राम। ये इक्वल भी हो गया और पैरेलल भी हो गया। आप देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन भी इसके पैरेलल है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये और इसका ये हाफ है और इसका ये भी हाफ है तो दोनों हाफ हाफ हुए, दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, तो पी क्यू आर एस अपोजिट साइड इक्वल भी हो गया ये और पैरेलल भी हो गया, तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है कि एबीसीडी एक रोम्बस है, तो एबीसीडी एक रोम्बस बनाते हैं, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होते हैं, ए बी सी डी, एबीसीडी एक रोम्बस है। क्वेश्चन में आगे है पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, शो दैट पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये पी है, क्यू है, आर है और एस, ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, बताना है कि ये रेक्टेंगल होगा, पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल बताना है।
पी क्यू आर एस को एक रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले एसी को जोड़ना तो पड़ेगा ही, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे पिछले क्वेश्चन में एबीसीडी को हमने लिया था और उसको ले करके पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो पहला काम हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, गिवन है ए बी सी डी इज अ रोम्बस, रोम्बस है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, और प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस पी क्यू आर एस को रेक्टेंगल प्रूव करने से पहले इसको हम लोग पहले पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो सेम मेथड एबीसी ट्रायंगल में चलते हैं, लिखते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, पी क्यू उसको ज्वाइन करता है, तो पी क्यू ज्वाइन दे, पी क्यू दोनों को जोड़ता है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो जो लाइन मिड पॉइंट को जोड़ती है वो तीसरे के पैरेलल होती है और हाफ होती है, तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इक्वल हाफ ए सी, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू। सिमिलरली एस आर और ए सी भी पैरेलल होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, क्योंकि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, एस आर ज्वाइन करती है तो एस आर इसके हाफ होगी, उसके पैरेलल होगी, तो सिमिलरली सिमिलरली हम लिखेंगे एस आर इक्वल टू हाफ एस आर इक्वल टू एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर। अब हम चारों इक्वेशन को कंपाइल करें, तो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री फोर, चारों इक्वेशन से हमको मिलेगा कि एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल ए सी, therefore PQRS is a, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ये पैरेललोग्राम हमारा हो गया, अब हमें बताना है कि PQRS एक रेक्टेंगल होगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में फर्क ये है कि पैरेललोग्राम के भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के भी होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि रेक्टेंगल के जो एंगल्स होते हैं वो 90 बनाते हैं, तो हमें किसी एक एंगल को 90 प्रूफ करना होगा। करने के कई तरीके हैं, इसमें एक तरीका ये है कि मैं एक और डायगोनल बनाए, और ये हमने और डायगोनल बनाया बी डी का, यहाँ पे पॉइंट लिया ओ, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप। चलिए अब देखते हैं आगे, अब आगे यहां पे ओ लिया है तो पॉइंट भी चाहिए, इसका पी है, इसका एम ले लो, इसको एन ले लो, कुछ भी नाम ले सकते हैं। अब ऐसा करने पे एक देखो, एक यहां पे क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसका नाम हो गया एम ओ पी एन, एम ओ पी एन, तो एम ओ पी एन जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इस क्वाड्रिलेटरल को पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ करते हैं, तो सिंस देखिए ये पूरी लाइन एसी पैरेलल था पीक्यू के, एसी पैरेलल पीक्यू, तो देयरफॉर एमओ पैरेलल पीएन, देखिए
एसी पैरेलल था पीक्यू के, तो ये और ये पार्ट भी पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर बीडी पैरेलल है पीएस के, सिमिलरली बीडी पैरेलल है पीएस के, तो ये हमारा जो आएगा एमपी पैरेलल होगा ओएन के। देखिए अगर बड़ी लाइन पैरेलल है तो उसके पार्ट भी पैरेलल होते हैं, तो अगर हमने बीडी को और एसपी को पैरेलल लिया तो ये ON उसका एक पार्ट है इस बीडी का, और इसका ये पार्ट है एमपी, तो ये भी पैरेलल होगा। अब आपने देखा ये साइड इसके पैरेलल है, ये पार्ट इसके पैरेलल है, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो उसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। तो देयरफॉर एमपी पैरेलल ON एंड हेंस, अब आपने देखा एमपी एमओ और पीएन पैरेलल है, एमओ पीएन पैरेलल है, एमपी और ON भी पैरेलल है, तो हेंस MPON इज ए पैरेललोग्राम। इसको पैरेललोग्राम इसलिए प्रूफ किया क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, ABCD एक रोम्बस है और रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, तो O पे 90 है, और क्योंकि यहाँ पे 90 है और ये पैरेललोग्राम प्रूफ किया तो ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो एंगल O और P इक्वल होगा। ये अगर 90 है तो ये भी 90 है, और जैसे P पे 90 आया हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। PQRS को हम एक रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो ये हमें करना होगा, पैरेललोग्राम हमने कर लिया, अब हम लिखें कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल MON इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये भी हमको पता है कि एंगल MON इक्वल है एंगल MPN से, MPN। अब ये क्यों इक्वल है, इसलिए कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो MON 90 है, तो देयरफॉर MPN ये भी 90 हो गया, और अगर ये 90 हो गया तो हेंस MPN अगर 90 हो गया तो एंगल P भी 90 हो गया, और अगर P 90 हो गया तो देयरफॉर PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो PQRS एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का जो एंगल्स होता है वो 90 का होता है, और PQRS को हमने पहले ही पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया था, लेकिन एक ऐसा पैरेललोग्राम हुआ जिसका एक एंगल 90 का है, अगर ये 90 है तो सभी 90 हो गए, और ऐसा क्वाड्रिलेटर ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एंगल्स 90 के हैं वो हम उसको रेक्टेंगल मानते हैं। So this is all for today. In the next video, we will meet again. Thank you.